क्षण भर का आनंद बा। अब हर ना ज्यादा निर्याल जात बनी एगो बिरहा फिरेश कर आ उठा बैठी बिल्कुल मत करी उठा बैठी करिए तमाम का मनोबल टूटी। बिरहा के सजावे के बा बिरहा के गवावे के बा तो दम आप लोगन में बा खाली शांति आप लोग बनाई एगो बिरहा 10-15-20 मिनट के सुनल जा। आइए मास्टर साहब हमारे हिंदुस्तान के शेर जवानों की आवाज है। आवाज क्या है मालिक कोई ज्यादा न रहे आ सिंहर बोलो 10 के बीच में के अमान गावत बनी लेकिन ई ना फरिया बहुत है कि आप लोग फरिया बहुत है गिरा आवाज अमान का क्लियर हो जाता ना शब्द क्लियर होत बना आप लोगन के ना। अच्छा आओ मास्टर Thank you.
कहानी पर गौर करेंगे बाबू, कहानी कहां से लिहल गई भैया। ऐसे मतलब हर जगह कार्यक्रम लगती लोग ऐसे बोल रहे रात भर। यार हम सुनत रहे कि ज्यादातर नाच लोग देख रहे हैं ना, अरे थोड़ा से अपने में परिवर्तन लिवा, सामाजिक बना लो। कमर हिलौले से देश ना बची। जब से डीजे चल गए पूरा देश नचिनिया हो गया। देश गुलाम भैले में एको मिनट न लगी। और देखा नौजवान बैठल हुआ इन्हा लोग के देखले प्रमाण के दूना जोश बढ़ेला के हमारे देश का भविष्य हुआ। ये लोग भर्ती हो जाइए, देश के रक्षा करिए, देश का विकास हो, देश हमार सुरक्षित रही। लेकिन इनके भर्ती कर दिए जाए तो हमें पूरे विश्वास हो पाकिस्तान वाले बेइज्जत कर छोड़ दिए। जब ऐसे मजा ही लेवे लगी है फरमाइश कैला के बिरहा हो फौजी जवान कर। अब मजा चाह के तो के चटनी कर। हाँ यहाँ देखा तो जब नाच हो तो उड़ना लेकर देखी तेरी अदाओं पे मरता हूँ तुझे लम्ब करता हूँ। एक रुपया देवा वहू पे तो शुक्रिया अदा कर दिए। थोड़ा से अपने में परिवर्तन लेवा, एक सामाजिक ज्ञान लेवा। बिरहा एक मनोरंजन ही नहीं रे बाबू, बिरहा से कुछ सीख मिलती है, बिरहा से आपको ज्ञान मिलेगा हमारे देश के लिए। रुक जा, अभी आप लोगों ने हमारे आप लोग पढ़े लिखे समाज के हैं, ऐसे नहीं कि आप लोग हमारे यहाँ बैठे हैं। हमारा से त्रिभुवन भैया से बहुत चलाक आप लोग बैठल हुआ। हमारा आप लोगों के अंग पे कोनो अंग न बनी। अभी आप लोगों ने सीरिया वाला का देखा, जो सीरिया देश है, सीरिया वाले के ऊपर अमेरिका के साथ कई देशों ने मिल करके लगभग 130 मिसाइल छोड़ा है। सीरिया वाला इतना परेशान है, जहां के लोग घुट घुट के मर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी बिगड़ गई। अगर वहां बच्चा पैदा होंगे तो कोई बच्चा सुरक्षित पैदा नहीं होगा। आप जैसे हमारे जैसा वहां बेटी बेटा नहीं पैदा हो पाएंगे। क्यों? वो मिसाइल का असर रहेगा। तो आप भी विचार करिए, सोचिए कि हमारा देश कैसे बचेगा। अगर कोई देश मिसाइल छोड़ ही दिया भारत पर तो हम लोग मरेंगे, लेकिन जो बचेगा वो भी सांसद झेलेगा। तो थोड़ा से बिरहा को सुनेंगे तो हमारे बिरहे से आपको स्पष्ट ए होगा कि हमारा हिंदुस्तान कैसे बचेगा।